हाय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आइए दोस्तों, हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था यूज़ ऑफ हैविंग, और यूज़ ऑफ हैविंग के आज हम लोग नेक्स्ट रूल्स की बात करते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि आज के रूल्स में हमने क्या क्या लिए हैं, आज का जो हैविंग का जो टॉपिक है उसमें कौन कौन से हमने रूल्स लिए हैं। तो दोस्तों, हम लोग समझते हैं। दोस्तों, आज का पहला रूल्स है हैविंग सैड दैट। दोस्तों, हैविंग सैड दैट को हम एक साथ रखेंगे। दोस्तों, इसको हम रखेंगे एक साथ कब, जरा समझते हैं। अगर किसी सेंटेंस में आ जाए के बावजूद या परंतु फिर भी, जब ये हिंदी आ जाए तो वहाँ पे हमें हैविंग सैड दैट का यूज करना होगा। जैसे कि एक हम हिंदी सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको ध्यान से आप लोग सुनना। जैसे कि मैंने कहा है, हरि ने खूब अध्ययन किया, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया। हरि ने खूब मेहनत किया या खूब अध्ययन किया, इसके बावजूद भी वह फेल हो गया। तो इसके बावजूद भी, हिंदी क्या आ गई, इसके बावजूद। तो जिन भी सेंटेंस में के बावजूद भी या परंतु फिर भी ऐसी हिंदी आए, वहाँ पे हमें हैविंग सेड दैट का यूज करना होगा। और दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आप अप्लाई करते रहेंगे। तो आइए दोस्तों, समझते हैं स्ट्रक्चर को। दोस्तों, यहाँ पे लिखा है एज हैविंग सेड दैट। हमने पिछले वीडियो में बताया था कि हैविंग यूज कैसे करते हैं, और उसका जो ये नेक्स्ट लेवल है उसको जरा समझते हैं। दोस्तों, जब भी किसी भी सेंटेंस में हिंदी में लिखा हो के बावजूद भी या परंतु फिर भी, के बावजूद भी या परंतु फिर भी, तो वहाँ पे हम यूज करेंगे हैविंग सेड दैट। अब दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर मैं देख लेता हूँ। स्ट्रक्चर में सबसे पहले एक हम कोई सेंटेंस लिखेंगे, उस सेंटेंस के तुरंत बाद ये जो हिंदी लिखी है के बावजूद या परंतु फिर भी, इसकी इंग्लिश हम लोग बना देंगे हैविंग सेड दैट। और बाद में जो सेंटेंस बन रहा है उस सेंटेंस को हमने रख दिया। तो यहाँ पे सेंटेंस प्लस हैविंग सेड दैट प्लस सेंटेंस, ये हमने स्ट्रक्चर बहुत छोटा सा बना दिया है, ताकि जो सेंटेंस है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाए। अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल की। लिखा है अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है। क्या है दोस्तों, अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है, एक सेंटेंस हुआ यहाँ तक। इसके बावजूद भी मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, एक सेंटेंस हुआ ये। तो एक सेंटेंस हुआ ये और दूसरा सेंटेंस हुआ ये, और इसके बावजूद भी एक इंग्लिश बना देंगे हैविंग सेड दैट। सबको लगातार मैं बनाता हुआ चला जाऊँगा, हमारा सेंटेंस क्लियर। तो दोस्तों, इसको मैं बनाना शुरू करता हूँ। लिखा है अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है, इसको आप इन्फिनिटिव से बना सकते हैं, जीरंड से बना सकते हैं, इट से बना सकते हैं, जो इच्छा वैसे बनाइए आप। हम बनाते हैं इसको जीरंड से। लिखा है अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है, पढ़ाना की टीच, आईएनजी जोड़ेंगे तभी जीरंड होगा। तो टीचिंग इंग्लिश, टीचिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट। दोस्तों, ये क्या हो गया, अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है, इसके बावजूद भी, इसके बावजूद भी कि इंग्लिश बना देंगे हैविंग। क्या करेंगे दोस्तों, हैविंग सैड दैट, ये एक साथ रखेंगे। हैविंग सैड दैट, मैं पढ़ाता हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, तो आई टीच। दोस्तों, हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, अगर किसी भी सेंटेंस में के बावजूद भी या परंतु फिर भी हिंदी आए, तो वहाँ पे इनकी इंग्लिश हैविंग सेड दैट बनाते हैं। तभी हमने यहाँ पे बनाया है टीचिंग इंग्लिश इज डिफिकल्ट, अंग्रेजी पढ़ाना कठिन है, इसके बावजूद भी हैविंग सेड दैट, आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ। बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की। राम जी ने खूब पढ़ाई की, परंतु फिर भी वह अनुत्तीर्ण हो गया। राम जी ने खूब पढ़ाई की, फिर भी क्या है, वह अनुत्तीर्ण हो गया। तो फिर भी, इसलिए क्या लगाएंगे, हैविंग सेड दैट। तो आइए दोस्तों, इसको हम लोग बनाते हैं, ट्रांसलेट करते हैं। राम जी ने खूब मेहनत की, तो हमने लिखा राम जी मेहनत करने, यहाँ मतलब पढ़ाई की, तो राम जी स्टडीड, राम जी स्टडीड खूब, एलाट कर सकते हैं, एलाट, राम जी स्टडीड एलाट, इसका मीन्स क्या हो गया, राम जी ने खूब पढ़ाई की परंतु फिर भी, तो यहाँ करेंगे परंतु फिर भी की
हैविंग सैड दैट, हैविंग सैड दैट। फिर क्या है, वह अनुत्तीर्ण हो गया, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, सेकंड फॉर्म लगाएंगे, वह अनुत्तीर्ण हो गया तो ही अनुत्तीर्ण होने की आप कर देंगे फेल, सेकंड फॉर्म हो जाएगा फेल्ड। दोस्तों समझ में आया होगा, और अब तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें। बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है नेताजी ने खूब प्रचार किया इसके बावजूद भी हार गए, इसके बावजूद भी हार गए, तो बावजूद हैविंग सेड दैट लगाएंगे। नेताजी ने खूब प्रचार किया, द नेताजी की लीडर किया, द लीडर खूब प्रचार किया, प्रचार करना की दोस्तों क्या होती है कन्वेस, प्रचार किया इंडेफिनिट टेंस है सेकंड फॉर्म, द लीडर कन्वेस्ड खूब प्रचार किया ए लॉट, सो मच वेरी मच, सो मच ठीक रहेगा, द लीडर कन्वेस्ड ए लॉट। इसके बावजूद क्या करेंगे, हैविंग सेड दैट, हैविंग सैड दैट, इसके बावजूद भी हार गए तो ही हार गए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे लॉस्ट, क्या करते हैं दोस्तों लॉस्ट। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। दोस्तों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है एज परफेक्ट पार्टिसिपल। अब दोस्तों ये परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग का यूज कैसे करेंगे, और ये होता क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल। दोस्तों जब एक वर्क फिनिश हो जाए और उसी से रिलेटेड तुरंत बाद उसके दूसरा वर्क स्टार्ट हो जाए तो वहाँ पे हम परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। अब दोस्तों इसका मैंने स्ट्रक्चर लिखा हुआ, पहले हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हैविंग, हैविंग के बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और फिर जो बच रहा है आप उसको लिख देंगे। तो दोस्तों हम लोग उसको बनाना शुरू करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे जो बाद या पश्चात लिखा हो इसकी इंग्लिश अलग से हमें कुछ भी नहीं बनानी होगी। तो दोस्तों इसकी हम लोग इसको ट्रांसलेट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट एग्जांपल लिखा, चिड़ियाघर घूमने के पश्चात मैंने मंदिर में पूजा की, तो पहला वाला वर्ग कौन सा है चिड़ियाघर घूमना, बाद वाला वर्ग कौन सा है मंदिर में पूजा की, पहले ये वाला वर्ग समाप्त हुआ और फिर ये वाला। तो देखिए सबसे पहले इधर बनाएंगे और इसके पहले ही हम हैविंग का यूज करेंगे। तो चिड़ियाघर घूमने के पश्चात, तो सबसे पहले करेंगे हैविंग, सबसे पहले हैविंग चिड़ियाघर घूमना, घूमने की यहाँ करेंगे विजिट, थर्ड फॉर्म विजिटेड, तो हैविंग विजिटेड द जू, इसका मतलब क्या हो गया चिड़ियाघर घूमने के पश्चात मैंने मंदिर में पूजा की, मैंने यानी कि आई वर्शिप्ड, आई वर्शिप्ड, डबल पी हो जाएगा दोस्तों, आई वर्शिप्ड इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। लिखा है सब्जी खरीद कर मैं अपने गांव चला गया, पहला वाला वर्ग कौन सा है सब्जी खरीदना, फिर दूसरा वर्ग कौन सा है मैं गांव चला गया। तो सब्जी खरीद कर, तो सबसे पहले खरीदना की क्या करेंगे बाई, हैविंग बाई करेंगे, हैविंग बॉट द वेजिटेबल्स। दोस्तों वेजिटेबल कभी सिंगुलर नहीं आता है इसलिए करेंगे हमेशा वेजिटेबल्स, हैविंग बॉट द वेजिटेबल्स मैं अपने गांव चला गया, तो आई वेंट टू माई विलेज। अब दोस्तों आज के लास्ट एग्जांपल की बात करता हूँ। लिखा है खाना पकाने के बाद हमने खाना खाया, खाना पकाने के बाद पहले मैंने क्या किया खाना पकाया, बाद में क्या किया कि हमने उसको खाया। तो देखिए सबसे पहले हैविंग, सबसे पहले हैविंग कुकड द फूड,
हैविंग कुक द फूड, खाना पकाने के पश्चात हमने खाया। वी ईट का सेकंड फॉर्म एट, हमने लास्ट में लगा दिया पॉइंट। दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।